हेलो दोस्तों, स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस अंक में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ विज्ञान पहेली प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि SCERT द्वारा भी 7 सितंबर को ली गई। उसके प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। जिला स्तरीय ये परीक्षा विज्ञान पहेली प्रतियोगिता का 7 सितंबर 2019 को हुआ था, और इसके बाद जो जोन लेवल का है वो 17 नवंबर को होगा, और राज्य स्तर का दिसंबर में होगा। तो जिला स्तरीय प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिसमें कि 25-25 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। फिजिक्स में पहला जो प्रश्न था दोस्तों, वो प्रश्न का, यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी S बराबर, देख सकते हैं सवाल इसका सी आंसर है। समय चूँकि ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं सीधे सीधे आंसर बताते जाऊँगा। जहाँ पे समझना हो आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कौन सा विकिरण सोलर कुकर पर कार्य करता है, इसका आंसर D था, अवरक्त किरणें। और तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का अनुपात होता है, सही आंसर D है दोस्तों, 1:1:2। और चौथे का सही आंसर है दोस्तों अपवर्तित, D, देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई 4% बढ़ाई जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो C सही आंसर है, 2% बढ़ेगा। छठवा क्वेश्चन, निम्नांकित परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सही आंसर ए होगा दोस्तों, 4/3 ओमेगा जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी स्थिर समतल दर्पण की ओर 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, तो उसका प्रतिबिंब की चाल, सही आंसर B है दोस्तों, -5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, एक चालक तार का प्रतिरोध R ओमेगा है, ई से इतना खींचे कि इसका क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल को 1/N गुणा हो जाए, तो अब चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, सही आंसर दोस्तों B है, N² R। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों, निम्न में से किस रंग का पोषणांक अधिक होता है, बैंगनी सही आंसर है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है, सही आंसर पेट्रोलियम पदार्थ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक बाल्टी में 25% सेंटीग्रेड ताप पर 8 किलोग्राम पानी है, उसमें 80 सेंटीग्रेड ताप का 2 kg पानी मिलाया जाता है, यदि बाल्टी द्वारा अवशोषित उसमें नगण्य हो तो पानी का अंतिम ताप क्या होगा, सही आंसर दोस्तों 36 सेंटीग्रेड है, B। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों, ऋणात्मक कार्य में बल तथा विस्थापन के बीच कोण क्या होगा, सही आंसर 180 अंश। 2 गोले जिनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 और उसके भेदों का अनुपात 3:4, यदि उनकी घनत्व का अनुपात 3:2 है तो उसकी गति ऊर्जा अनुपात क्या होगा, 27:256, सही आंसर है दोस्तों। जब प्रकाश किरण उत्तर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती तब आपतन कोण का मान क्या होगा, 0 अंश दोस्तों, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि FGFE और FN क्रमशः गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल एवं नाभिकीय बल प्रदर्शित करते हैं तो उनके प्रबलता का बढ़ता क्रम क्या होगा, सही आंसर है दोस्तों FGFE FN C। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, बमबारी है तो सबसे प्रभावी कण क्या है, सही आंसर है दोस्तों न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, निम्न में से किसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, सही आंसर है ए होगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। एक चालक में 1.6 ए की धारा बह रही है तो चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, D 10e⁻¹⁹, सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ए। 20वां क्वेश्चन देखिए, नेत्र की सीमांजन क्षमता निम्न में से किसके कारण होती है, सही आंसर है सी, सीलियारी मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, तो LPG में मुख्य घटक क्या होता है, सी सही आंसर है ब्यूटेन। 22 अल्ट्रासोनिक तरंग एवं ध्वनि तरंग की चाल का अनुपात है, ए सही आंसर है। 1 कैंडेला इकाई, कैंडेला किसकी इकाई है, सही आंसर ज्योति एवं तीव्रता होगा दोस्तों। 2 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का विभवांतर धारा ग्राफ नीचे चित्र में है, कौन सा समांतर होगा, तो बी इसका सही आंसर है दोस्तों, बी।
क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करते हैं। यदि कांच की मोटाई 50 cm है तो प्रकाश को उसे पार होने में लगने वाला समय क्या होगा? सही आंसर है दोस्तों डी 2.50 × 10⁻¹⁹ एस सेकेंड, ये सही आंसर है। इस प्रकार दोस्तों अभी जो 7 सितंबर 2019 को जिला स्तरीय विज्ञान पहली प्रतियोगिता एग्ज़ाम जो हुआ था उसका ये फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स, सेकेंड पार्ट रसायन और थर्ड पार्ट बायोलॉजी का मैं फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद।